Hello guys, a very cheerful morning. Hope you all are doing well. And what's up guys, कैसा चल रहा है आप लोगों का? प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने देखे या नहीं ठीक से, और समझ आया या नहीं? अगर आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं क्या समझ नहीं आया है, या आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहिए तो वो भी बताइए. एंड टुडे हियर आई एम विद अ न्यू वीडियो, अमेजिंग लेक्चर. ओके, दिस वुड बी एन एक्सट्रीम अमेजिंग लेक्चर बिकॉज मैं एक ये बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर लेके आई हूँ आप लोगों के लिए. जस्ट बिकॉज बहुत सारे बच्चों को रिएक्शंस में प्रॉब्लम होती है. ओके, कि रिएक्शंस अगर आ गई सामने तो ऐसा लगता है कि यार इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा. ओके, रिएक्शन का कुछ प्रोडक्ट समझ नहीं आता है जस्ट बिकॉज वो लोग रटने लगते हैं. ओके, डोंट गो विद द रट्टाफिकेशन. ओके, क्योंकि देखो तुम कितनी रिएक्शंस रट लोगे यार, इनऑर्गेनिक में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, कब तक रटते रहोगे तुम लोग? सो उसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं आप लोग के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रही हूँ रिएक्शंस के ऊपर, जिसमें आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी कि रिएक्शंस से कैसे आप लोग को प्रोडक्ट मिलता है, उसका मैकेनिज्म क्या होता है पर्टिकुलर. तो उस चीज़ से आप लोगों को पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे रिएक्शंस के बारे में. एवरीथिंग वुड बी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड, क्योंकि जब तक ये रिएक्शंस का लोचा ख़त्म नहीं होता है ना, तब तक कुछ समझ नहीं आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. ओके, तो इसलिए है ये बेटर होगा कि हम लोग रिएक्शंस को अच्छे से जान ले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले. ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बेसिक एकदम ये वैसा है, मतलब हम किसी चीज़ को बिल्डअप करने के लिए करते हैं ना, एक ये एकदम बिल्डअप प्लेटफॉर्म है ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का. ओके, सो यहाँ रिएक्शंस अब हम देखते हैं कितने टाइप्स के रिएक्शंस हैं. सो हम हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइस. सो हियर आई एम टू एक्सप्लेन यू अबाउट द रिएक्शंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन टुडेज सेशंस. सो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. ओके, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. ओके, यू कैन सी हियर आयन एक्सचेंज रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन. ओके, नाउ वी शुड गो विद द फर्स्ट, वेरी फर्स्ट, आयन एक्सचेंज रिएक्शन. इसके नाम से आप लोग को समझ आ रहा होगा आयन एक्सचेंज रिएक्शन, वट डिड दिस नेम मीन? ओके, आयन, एवरी वन ऑफ अस नो वॉट आर आयन्स. ओके, इफ यू आर वेल नोन विथ केमिस्ट्री, यू हैव मतलब इन नाइन्थ एंड टेंथ ऑल्सो वी हैव लर्न मैनी थिंग्स अबाउट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ओके, सो एवरी वन इज फेमिलियर विथ आयन. ओके, आई डोंट थिंक दैट एनी वन इज नॉन फेमिलियर विथ आयन. ओके, आयन एक्सचेंज रिएक्शन, आयन एक्सचेंज रिएक्शन मतलब आयन का एक्सचेंज हो रहा है. ओके, एक्सचेंज हो रहा है आयन्स का आपस में, और आयन एक्सचेंज रिएक्शन उस रिएक्शन को नाम दे दिया. ओके, अब आयन एक्सचेंज रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है? ओके, सो आयन एक्सचेंज रिएक्शन की हम सारे रिएक्शंस की कंडीशंस भी पढ़ेंगे, जस्ट बिकॉज कंडीशंस आर रिक्वायर्ड. ओके, विदाउट कंडीशंस यू विल नेवर बी, इट इज़ नेवर पॉसिबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिएक्शंस. ओके, रिएक्शंस आए क्यों इतने टाइप्स की जब डिफ्रेंशिएशन नहीं होता? तो हर रिएक्शन का एक कंडीशन है. ओके, तो आयन एक्सचेंज रिएक्शन का ये कंडीशन है, बोथ द रिएक्टेंट शुड बी आयनाइजेबल. ओके, दोनों रिएक्टेंट्स जो है रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, दोनों आयनाइजेबल होते हैं. अब आयनाइजेबल से आप क्या समझते हैं? विच कैन ब्रेक इन टू आयन्स. ओके, विच रिएक्टेंट कैन बी ब्रेक इन टू आयन्स, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेबल. ओके, तो दोनों ही रिएक्टेंट आयनाइजेबल होने चाहिए आयन एक्सचेंज रिएक्शन के लिए. अब आयन एक्सचेंज नाम है तो आयन एक्सचेंज कब होंगे? जब आयनाइजेशन होगा ना, आयनाइजेशन मतलब ब्रेकेज ऑफ आयन्स होगा, तभी तो आयन्स फॉर्म होंगे, तभी तो आयन्स एक्सचेंज होंगे ना. तो आयन्स का फॉर्म होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों रिएक्टेंट्स आयनाइजेबल होने चाहिए. लाइक फॉर एग्जाम्पल NaOH एंड HCl, Na प्लस OH माइनस दोनों आयन्स हैं. ओके, आयनाइजेबल है NaOH, HCl, H प्लस Cl माइनस, ये भी आयन्स में टूट जाएंगे. अब यहाँ पे होगा आयन एक्सचेंज. एवरी वन ऑफ अस नो दैट NaH तो बनेगा नहीं. ओके, प्लस प्लस ये तो एक साथ जाएंगे नहीं, इसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी, तो ये करेंगे क्यों यार पार्टनरशिप?
डिफिशियंसी डिफिशियंसी वाले क्यों मिलेंगे। पार्टनरशिप किसकी ज़्यादा अच्छी होती है, जिनमें ऐसा कोऑर्डिनेशन हो कि हाँ भाई मेरे पास कुछ नहीं है तो तुझसे ले लिया, तेरे पास कुछ नहीं है तो मुझसे ले लिया। ओके, तो अब दोनों के पास नहीं है तो इन लोगों की पार्टनरशिप का मतलब ही क्या रहेगा। NaH तो फॉर्म होगा नहीं, NaCl फॉर्म हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। अब ऐसे ही H2O बन सकता है, H प्लस OH माइनस H2O बन सकता है। इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है एक्स्ट्रा। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो ऐसे आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगा। NaOH प्लस HCl का प्रोडक्ट बनेगा NaCl प्लस H2O। सिमिलरली AgNO3 प्लस NaCl, तो Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो क्या होगा AgCl बनेगा एंड NaNO3 बनेगा। ओके, सिमिलरली K प्लस OH माइनस H प्लस NO3 माइनस। ओके, कभी भी NO3 माइनस को अलग मत कर देना कि N को अलग कर दिया, O3 को अलग कर दिया, नहीं, ये पॉलीएटोमिक आयन है। ओके, तो ये अलग नहीं होते, इनको पॉलीएटोमिक आयन बोला जाता है। ओके, तो NO3 माइनस इज अ कंप्लीट वन आयन। ओके, तो K प्लस NO3 माइनस KNO3, एच प्लस OH माइनस H2O फॉर्म हो जाएगा। तो ये था आयन एक्सचेंज रिएक्शन के बारे में, जो हमारी वेरी फर्स्ट रिएक्शन है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में। तो होप आप लोगों को आयन एक्सचेंज रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें कंडीशन दी है रिएक्टेंट शुड बी आयनाइजेबल। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड रिएक्शन की तरफ, दैट इज वाटर एडिशन रिएक्शन। गाइज, वाटर एडिशन रिएक्शन क्लियरली हम लोग को समझ आ रहा है इसके नाम से भी, वाटर एडिशन मतलब यहाँ पे हम लोग को वाटर ऐड करना है रिएक्शन में। ओके, वाटर एडिशन रिएक्शन की कंडीशन क्या होती है, वन रिएक्टेंट शुड बी आयनाइजेबल एंड अदर शुड बी नॉन आयनाइजेबल। अब कोई भी एक रिएक्टेंट जो है वाटर एडिशन रिएक्शन में, कोई भी एक रिएक्टेंट आयनाइजेबल होना चाहिए और जो दूसरा रिएक्टेंट है वो नॉन आयनाइजेबल होना चाहिए। ओके, अगर दोनों आयनाइजेबल हो गए तब तो वो आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी। ओके, इसलिए दोनों आयनाइजेबल नहीं होंगे यहाँ पे, यहाँ पे एक आयनाइजेबल होगा एक नॉन आयनाइजेबल होगा। अब क्वेश्चन अराइज इज कि जब एक आयनाइजेबल है एक नॉन आयनाइजेबल है तो भाई रिएक्शन होगा कैसे, कैसे होगा रिएक्शन। तभी तो बेटा जी, तभी तो ये चीज़ आई टर्म वाटर एडिशन। ये एक ऐसा ब्रिज जैसा है, ये हेल्प कर रहा है इन दोनों के रिएक्शन में। ओके, क्योंकि आयनाइजेबल रिएक्टेंट तो आयनाइज हो जाएगा बट नॉन आयनाइजेबल रिएक्शन तो आयनाइज होगा ही नहीं। तो भाई ये आयनाइजेबल रिएक्टेंट के आयन्स जाके लगेंगे भी कैसे उसके साथ। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के हम देखते हैं, NaOH एक हमने ले लिया है आयनाइजेबल रिएक्टेंट और हमने फिर बहुत सारे नॉन आयनाइजेबल के एग्जाम्पल्स ले लिए नॉन आयनाइजेबल रिएक्टेंट्स के। तो NaOH का जब रिएक्शन होगा N2O5 से, एवरीबडी ऑफ अस नो कि N2O5 इज नॉन आयनाइजेबल। ओके, तो अब नॉन आयनाइजेबल रिएक्शन आयनाइजेबल के साथ कैसे होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट भी फॉर्म हो रहा है NaNO3 प्लस H2O। अब H2O यहाँ पे तो लिखा है यार वाटर एडिशन रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर तो वाटर एड हुआ ही नहीं, तो भाई प्रोडक्ट में वाटर आ कैसे गया। प्रोडक्ट में वाटर एड करके तो हम ये नहीं बना रहे ना, वाटर एड हो रहा है प्रोडक्ट में और हम प्रोडक्ट से तो रिएक्टेंट कभी नहीं बनाते। यहाँ तो हमको रिएक्टेंट ही शो रहा है कि इससे प्रोडक्ट बन रहा है, तो भाई यहाँ पर वाटर एड क्या नहीं, तो यहाँ पर वाटर कैसे आ गया। तो बेटा जी, यहाँ पर कभी भी वो लोग शो नहीं करते हैं कि हम यहाँ पर वाटर ऐड कर रहे हैं, वो लोग डायरेक्ट पानी निकालते ही है, पानी ना रिएक्शंस में जा रहा है ये कभी शो नहीं होता है, निकलता है वो जरूर शो होता है। ओके, तो ये एक हिडन टाइप ऑफ रिएक्शन है, ये एक अंडरस्टैंडिंग टाइप ऑफ रिएक्शन है कि यहाँ हमें करना क्या है। ओके, सबका एग्जाम्पल्स देखो, तो फर्स्ट एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि देखो ये NaNO3 प्लस H2 बन रहा है, N2O3 NaNO2 प्लस H2O बन रहा है, SO2, ये बन कैसे रहे, सब में आखिरी में प्रोडक्ट में वाटर ऐड हो रहा है, ऐसा थोड़ी ना होता है भाई। तुमने तो पहले बोला है वाटर एडिशन रिएक्शन, तुमने ऐसा थोड़ी ना बोला है कि वाटर एडिशन इन प्रोडक्ट। ओके, सो अब इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ भी अजीब नहीं पढ़ाया है, सही है वो जो भी हो रहा है आगे, सब कुछ सही है। अब वो होता कैसे है हमें ये देखना है। ओके, आई होप आप लोगों को नोटबुक अच्छे से दिख रही होगी। अब देखो मैकेनिज्म इसकी क्या है, जो भी रिएक्टेंट नॉन आयनाइजेबल है, जो आयनाइजेबल के साथ रिएक्ट कर रहे, तो नॉन आयनाइजेबल रिएक्टेंट में हम लोग को वाटर ऐड करना है। ओके, नॉन आयनाइजेबल रिएक्टेंट में हम लोग को वाटर ऐड करना है, जैसे N2O5 हम लोग को दिया हुआ था। अब N2O5 प्लस H2O किया, तो सिंपली इसको लिख दो जो भी आ रहा है, H2
प्लस एन टू प्लस ओ सिक्स, ओके ओ फाइव एंड एक और ओ एच टू होगा, तो एच टू एन टू ओ सिक्स. अब इसमें से कॉमन निकल रहा है, टू कॉमन निकल रहा है, कॉमन निकाल के हटा दो उसको. कॉमन निकलने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन रहा है इसका, एच एन ओ थ्री, ओके एच एन ओ थ्री. अब एन टू ओ थ्री प्लस एच टू ओ, एच टू एन टू ओ फोर, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बन रहा है, एच एन ओ टू, एस ओ टू प्लस एच टू ओ, एच टू एस ओ थ्री, इसका यही सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है ये, एस ओ थ्री प्लस एच टू ओ, एच टू एस ओ फोर, ये भी और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है, ओके पी टू ओ फाइव प्लस थ्री एच टू ओ, एच सिक्स पी टू ओ एट, ओके. अब ये सिंप्लीफाई होके क्या बन रहा है, एच थ्री पी ओ फोर, दैट इज आर फॉस्फोरिक एसिड. सिमिलरली इधर भी हुआ है पी टू ओ थ्री के साथ, तो यहाँ पे हम लोग का बन रहा है फॉस्फोरस एसिड. कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हुआ तो कार्बोनिक एसिड बन रहा है, यहाँ पे सी एल टू ओ सेवन प्लस एच टू ओ के साथ हुआ तो एच टू सी एल टू ओ एट बन रहा है, दैट मीन्स एच सी ओ फ्लोर, क्लोरिक एसिड मिल रहा है हम लोग को यहाँ पे. अब द क्वेश्चन अराइज, हमने यहाँ पर फॉस्फोरस के साथ थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ एच टू क्यों लिए. सो बेटा जी ये चीज़ ध्यान रखना कि वन फॉस्फोरस इज देयर विल टेक थ्री मोल्स ऑफ वाटर, ओके रिमेंबर दिस थिंग्स. मैंने ये रेड पेन से नोट किया अपने नोट्स में, सो रिमेंबर दिस थिंग, जहाँ पर भी नॉन आयनाइजेबल रिएक्टेंट फॉस्फोरस है वहाँ पर आप फॉस्फोरस की रिएक्शन थ्री मोल्स ऑफ एच टू के साथ करवाएंगे एंड तभी प्रोडक्ट आप लोग का सही आएगा, ओके. यू विल नॉट टेक वन मोल ऑफ एच टू और टू मोल ऑफ एच टू, रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम सब ने इन सारे चीज़ों को सिंप्लीफाई कर लिया. अब हम आगे चलते हैं वापस और हम देखते हैं कि इनको सिंप्लीफाई करने से मतलब क्या निकला. ध्यान रखना एन टू ओ फाइव से क्या बन रहा है, हमको एच एन ओ थ्री मिल रहा है और आगे प्रोडक्ट में क्या दिया है हम लोगों को, यहाँ पर देखो गाइज, ये एन टू ओ फाइव, ओके एन एन ओ थ्री प्लस एच टू मिल रहा है, ओके एन एन ओ थ्री कैसे मिल रहा है, एन टू ओ फाइव में हमने एच टू ऐड कर दिया तो एच टू एन टू ओ सिक्स, तो एच एन ओ थ्री बन रहा था, एच एन ओ थ्री की बजाय यहाँ एच हट गया और यहाँ पे क्या लग गया, एन ए लग गया, ओके एन ए का रिएक्शन और ये वो एच जाके इस एच से रिएक्ट कर गया, मतलब सेकेंड प्रोसेस इसका क्या है, आयन एक्सचेंज हो रहा है. सेकेंड प्रोसेस में क्या हो रहा है, आयन एक्सचेंज हो रहा है. यहाँ पे आयन एक्सचेंज पॉसिबल कैसे हो पाया, जब हमने यहाँ वाटर ऐड किया, वाटर ऐड करने की वजह से ये, जब हमने एन टू ओ फाइव में वाटर ऐड किया तो वाटर ऐड करने की वजह से एच एन ओ थ्री बन गया, तो एच प्लस एन ओ थ्री माइनस, यहाँ पे एन ए प्लस ओ एच माइनस, तो ये एक्सचेंज होके एन एन ओ थ्री प्लस एच टू ओ बन गया, ओके. तो यहाँ पर वाटर ऐड करने का हमको फायदा क्या हुआ कि इसको हमने आयनाइजेबल में कन्वर्ट कर लिया. सिमिलरली एन टू ओ थ्री में हमने ऐड किया था एच टू ओ, तो एच टू एन टू ओ ओ फोर बना था, ओके एच टू एन टू ओ फोर, तो उसको कॉमन लेके क्या बना था, एच एन ओ टू. अब एच एन ओ टू और एन ए ओ एच का रिएक्शन करवाया था हमने, ओके एन टू ओ थ्री इज एक्चुअली नॉट रिएक्टिंग विद एन ओ एच, एक्चुअली एच टू एन टू ओ फोर इज रिएक्टिंग विद एन ए ओ एच एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज एन ए एन ओ टू, क्योंकि ये एन ए उसके साथ चले गया, उधर का एच ओ एच के साथ आ गया एंड इस तरह से यहाँ पर वाटर प्रोडक्ट में हम लोगों को मिल रहा है. सिमिलरली ये सारे हमने आगे देख चुके हैं, ये फॉस्फोरस वाला भी हमने देख लिया है, सी ओ टू सी एल टू ओ सेवन वाला भी हमने आगे देख लिया है. अब द क्वेश्चन अराइजेज कि यहाँ तो सब कॉमन ले लिया हमने, ओके ये यहाँ पे कॉमन नहीं आ रहा था तो नहीं लिया, बट बहुत सारी ऐसे बड़े बड़े स्पीशीज होती है जिनमें कॉमन नहीं निकलता है, तो उन स्पीशीज के लिए हम कैसे करेंगे इस रिएक्शन को, ओके फॉर एग्जाम्पल एन ओ टू, एन ओ एच का रिएक्शन एन ओ टू के साथ, ओके होप यू आर ऑल आर गेटिंग इट, ओके दिख तो रही है ना नोटबुक अच्छे से, ओके लेट मी डू इट बेटर, ओके परफेक्ट, होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा गाइज. अब हम आगे चलते हैं, एन ओ एच प्लस एन ओ टू का रिएक्शन हो रहा है, ओके एक्चुअली एन ओ टू इज वॉट एन टू ओ फोर, एन टू ओ फोर में हमने वाटर ऐड कर दिया, एन टू ओ फोर में वाटर ऐड करके क्या मिल रहा है हम लोग को, एच टू एन टू ओ फाइव, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है. और एच टू एन टू ओ फाइव जैसे आपने आज तक कोई चीज़ सुनी है क्या, ऐसा मैंने तो नहीं सुना है एच टू एन टू ओ फाइव की ये कोई वो होता है रिएक्टेंट, ऐसा कभी हम लेते हैं एच टू एन टू ओ फाइव किसी रिएक्शन में, मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि कोई ऐसा कंपाउंड भी होता है, नहीं होता है ना, ऑब्वियसली नहीं होता है यार, ये कुछ तो भी नहीं है, ये तो केमिस्ट्री को फिर पूरा उथल पुथल करके रख देगा ऐसा अगर मिल गया रिएक्टेंट तो जो रिएक्ट कर रहा है. तो इसको हम स्प्लिट करेंगे, जहाँ पर आप लोग को कॉमन नहीं दिख रहा है तो वहाँ पे स्प्लिट करने की कोशिश करो उसको दो में, तो अब आप लोगों को कुछ मिल पाए शायद. तो हमने इसको स्प्लिट करके देखा, एच एन ओ थ्री और एच एन ओ टू में हमने इसको स्प्लिट कर दिया. तो हे गाइस व्हाट वी आर लुकिंग हियर, व्हाट वी आर लुकिंग हियर, कैन समबडी नोटिस, ये तो यार हम लोगों को नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड मिल गया, ओके तो ये तो रिएक्ट कर जाएंगे भाई एन ओ एच से, इजिली रिएक्ट कर जाएंगे, एच प्लस हो जाएगा एन ओ थ्री माइनस हो जाएगा, एच प्लस हो जाएगा एन ओ टू माइनस हो जाएगा, एच टू ओ बन जाएगा एन एन ओ थ्री बन जाएगा एन एन ओ टू बन जाएगा, बन गया भाई लो एन एन ओ थ्री बन गया एन एन ओ टू बन गया एच टू ओ बन गया,
ओके सिमिलरली Cl2O6 की भी रिएक्शन ऐसे ही हुई है, Cl2O6 में हमने वाटर ऐड कर दिया, H2Cl2O7, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, हमने इसको स्प्लिट करके देखा तो स्प्लिट हुआ क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड में, क्लोरिक एसिड क्लोरर एसिड का हमने क्लोरस एसिड का हमने रिएक्शन करवा दिया NaOH के साथ, हमको मिल गया प्रोडक्ट इजीली NaOH प्लस Cl2। अब देखो गाइस ये भी नॉन आयनाइजेबल है, नॉन आयनाइजेबल में हमने वाटर ऐड किया, H2Cl2O मिला हमको, अब हमने इसको भी स्प्लिट करा क्योंकि कॉमन तो कुछ निकल नहीं रहा है, तो HCl और HClO में स्प्लिट किया हमने इसको, ठीक है तो क्या मिला हमको हमको मिला NaCl माइनस NaOCl और प्लस H2O, ओके हमको क्या मिला है NaCl NaOCl H2O, यहाँ पे Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पे Cl है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ओके तो होप गाइज आप लोगों को ये सारी रिएक्शन समझ आई होगी, दैट इज फर्स्ट हमने पढ़ा नॉन आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ये इजीली आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर हम लोगों ने देखा वाटर एडिशन रिएक्शन, वाटर एडिशन रिएक्शन में एक आयनाइजेबल होता है दूसरा नॉन आयनाइजेबल होता है, होप ये भी आप लोगों को बहुत अच्छे से आप समझ आ गया, आप सब ये कर पाएंगे, मैंने बताया है कैसे कि नॉन आयनाइजेबल रिएक्शन में वाटर ऐड करना है फिर उसको कॉमन लेना है, कॉमन अगर नहीं निकलता है देन हम लोगों को स्प्लिट करके देखना है, ओके स्प्लिट करके देख लिया NaOHCl2 ये NaOHNO2 का देख लिया, NaOHCl2O6 का देख लिया, Cl2 के साथ देख लिया, अब बहुत से रिएक्शंस में यहाँ पे क्या करते हैं वो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दे देते हैं, ओके तो उसकी रिएक्शन सिमिलर ऐसी नहीं होगी, अगर NaOH के आगे कुछ भी नहीं लिया लिखा है तो रिएक्शन ऐसी होगी, बट अगर आप लोगों को हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH दिया तो रिएक्शन अलग टाइप की होगी, वो रिएक्शन कैसे होगी मैं ये बताती हूँ आप लोगों को, ओके हियर सो हियर इज दैट रिएक्शन, अब मैंने इसके ऊपर लिखा है RMR रट्टा मारना है, ओके इसको रट्टा ही मारना है, इसके मैकेनिज्म में मत जाओ, नहीं समझ पाओगे छोड़ दो, यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं ऐसा नहीं कहती कि कुछ भी नहीं रटना पड़ता है, ओके रटना पड़ता है बट 100 ऑफ रिएक्शंस अगर हम लोग खुद कर पा रहे हैं और अगर एक आध हम लोग को रटनी पड़ रही है तो वो ठीक है वो चलता है, बट अगर जो जितनी रिएक्शंस मैंने आप लोग को पहले बताया अगर आप वो भी रट रहे हो ये भी रट रहे हो क्या क्या रटोगे यार, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रटने के लिए कि बहुत सी चीज़ों को रटना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को याद रखना पड़ता है, हमें किस किस को याद रखोगे, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं है आपके पास, आपके पास बायोलॉजी भी है, आपके पास फिजिक्स भी है, ओके सब कुछ आपको सब कुछ एकदम कॉम्पैक्ट फॉर्म में आपके माइंड में रखना है आपको, ओके तो उसको कैसे रखोगे, तो इतनी सारी रिएक्शंस तो हम लोग के इजीली हो गए, बट अगर एक ऐसा फॉर्म है कि जो हम लोगों को नहीं समझ में आ रहा उसको रट लो, तो मैं बोलती हूँ कि इस रिएक्शन को आप लोग रट लो, ओके अब NaOH हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH का रिएक्शन जब हम लोगों ने Cl2Br2 या I2 के साथ करवाया, ओके एनी हैलोजन कंपाउंड के साथ हम लोगों ने अगर करवाया इसका रिएक्शन इधर X है ClBr और I, तो ये क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा NaX प्लस NaXO3 प्लस H2O, सो इस रिएक्शन को आप लोग प्लीज रट लो, एंड आई होप आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी का मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, आज हम लोगों का टाइम हो चुका है, ओके सो आज हम लोगों ने आयन एक्सचेंज रिएक्शन देख लिया है, वाटर एडिशन रिएक्शन देख लिया है, अब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगी, मैं इसके बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बता सकती थी बट द पॉइंट इज कि ये बहुत डीप में मैं आप लोगों को इन दोनों के बारे में समझाना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक वीडियो में इतना कुछ आप लोगों को नहीं समझा पाती, वीडियो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाती, सो रेडॉक्स रिएक्शन एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे गाइस, तब तक के लिए आप लोग ये पढ़िए, कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, हो बायो आप लोगों का सबका अच्छा चल रहा है, प्लांट किंगडम के बाद मैं सोच रही हूँ आई शुड स्टार्ट केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स या सॉलिड स्टेट दोनों में से मैं एक स्टार्ट करने का सोच रही हूँ, नाउ लेट्स सी हम क्या स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए प्लांट किंगडम अच्छे से कर लो, जब तक मैं पढ़ा रही हूँ तब तक ही तुम लोगों का प्लांट किंगडम खत्म हो जाना चाहिए, जिस दिन मेरा लास्ट सेशन मैंने रिकॉर्ड किया प्लांट किंगडम का उसी के साथ साथ तुम लोगों का भी प्लांट किंगडम पढ़ के खत्म हो जाना चाहिए, ओके सो तब तक के लिए अब नेक्स्ट वीडियो का वेट करो, ओके मीट यू सो सून अगेन, तब तक के लिए टेक केयर गाइज, बाय बाय।